सुप्रभात, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी, मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत द्वादश पाठा, जिसका शीर्षक है कह रक्षति कह रक्षिता। कह मतलब कौन, रक्षति रक्षा करता है, कह रक्षिता और कौन सुरक्षित है। ये पाठ हमें केवल पर्यावरण से संबंधित चीज़ें सिखा रहा है कि हमें समाज में यदि रहना है, समाज के तौर तरीकों को सीखना है, तो हमारे लिए पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का तात्पर्य है कि प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं हैं, प्लास्टिक की बनाई हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, वो ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करती हैं, प्रदूषित करती हैं। ये 100 साल तक मिट्टी के संपर्क में रहेंगी, इसके बावजूद भी प्लास्टिक की वस्तुएं कभी गलती नहीं है, गलती मतलब नष्ट नहीं होती हैं। अन्य कोई पदार्थ यदि मिट्टी के संपर्क में जाएगा तो वह गल करके मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी का हो जाएगा, बाद में उसको पहुंचने पे मिलेगा नहीं। लेकिन यदि हम प्लास्टिक की किसी भी चीज को, प्लास्टिक की बनी किसी भी वस्तु को हम मिट्टी में, उस मिट्टी के संपर्क में रखेंगे, 100 साल तक मिट्टी के अंदर दबा रहेगा, उसके बाद उसे निकालेंगे, वो भी ज्यों का त्यों वैसा ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं। तो ये आप ये कल्पना कीजिए कि प्लास्टिक की बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक की बनी जितनी भी वस्तुएं होती हैं, यदि वो मिट्टी के संपर्क में रहने पर भी नहीं गलती हैं, नष्ट नहीं होती हैं, तो हमारे लिए वो उपयोगी हैं या अनुपयोगी, हमें स्वयं डिसीजन लेना होगा कि हमारे लिए क्या प्लास्टिक की चीज़ें उपयोगी हैं। तो यदि हैं तो बेशक आप उसका उपयोग कीजिए, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है तो हमें उनको अवॉइड करना है, हमें उनको छोड़ देना है, उनका प्रयोग ही नहीं करना है, क्योंकि वास्तविक में पर्यावरण के लिए ये चीज़ें बहुत नुकसानदायक हैं। आप खुद कल्पना कीजिए कि आप यदि एक प्लास्टिक की पॉलीथीन लीजिए, प्लास्टिक की पॉलीथीन में कुछ गर्म आइटम रखेंगे, उसका भी जो आप उसमें पढ़ते हैं तुरंत शरीर के लिए नुकसानदायक है। आप उसको मार्केट कहीं बाजार कहीं इधर उधर फेंक देते हैं, खाए, यूज किए, फेंक दिए, उसको किसी मवेशी ने खा लिया, मवेशी खाया, उसके हाथ में जाकर चिपक जाएगा, उसके लिए नुकसानदायक है। पर्यावरण में यदि किसी ने उसको फेंक के, आप बहुत लोग देखते हो एक साथ उसको इकट्ठा करके आग जला देते हैं, उसका धुआं जाता है, वो धुआं पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना है, हमें पेड़ पौधों को लगाना है, रक्षा करना मतलब यदि हम उनको लगा नहीं सकते हैं तो हमें उनको काटने का, उनको विनाश करने का हमें अधिकार नहीं है। तो पर्यावरण से संबंधित है, यदि पर्यावरण है तो हम हैं, यदि पर्यावरण नहीं है तो हमारा भी जीवन व्यर्थ है। इस पाठ का मतलब केवल यही है कि कह रक्षति कह रक्षिता, यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। ठीक है, तो पाठ का तात्पर्य यही है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना है, यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। ये पाठ संवाद के माध्यम से कहा गया है, आपस में कई सारे बच्चे विद्यालय जाते हैं और अपने शिक्षिका से, अपने अध्यापक से बात करते हैं, और जब वो घूमने के लिए किसी पार्क में जाते हैं, और पार्क में जब जाते हैं, सीधी सी बात है, आप भी समझ रहे हो कि जब कोई पिकनिक के लिए जाता है तो या तो कुछ घर से बना के ले जाता है या मार्केट से कुछ चीज़ें खरीद के ले जाता है, और जब आप उसके अंदर जाता है और बैठता है, देखता है, तो उसके अगल बगल ऐसे भी लोग बैठे रहते हैं, वो भी वहीं खाता पीता है, उसे फेंक देता है। आप देखो, पानी पाउच यूज करते हो किसी फंक्शन में या पार्टी में जाते हैं तो पानी पाउच हम यूज करते हैं, उसे जलकूपी संस्कृत में बोलते हैं, हम उसको प्रयोग करते हैं, पानी पिए और उसके बाद उसको कहीं भी ऐसे फेंक दिए। अब आप खुद देखिए कि हम यूज करके उसे फेंक दिए, वो कहाँ जाएगा, सामने वाले को इकट्ठा उठाएगा, उसे एक जगह फेंक देगा, वो क्या होगा, जिस एरिया में जाएगा उतना एरिया वो क्या करेगा, प्रदूषित कर देगा। ठीक है, तो ये हुआ, ऐसे अनेक चीज़ें होती हैं, लोग प्लास्टिक की पॉलीथीन में लेके बैग, प्लास्टिक के बैग में लेके जाते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे खाते हैं या बस में बैठे बैठे खाते हैं, और खाने, समोसा खाने के बाद जब पन्नी खाली हो जाती है उसे वहीं फेंक देते हैं, क्या वो सही है,
कहीं ना कहीं जाएगा, मिट्टी के संपर्क में जाएगा और वो पर्यावरण को दूषित करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना है, हमें पर्यावरण वृक्षों को लगाना है, लगाने के बाद उसकी देख रेख करनी है, उसको काटना नहीं है। जितने पेड़ हम अगल बगल लगाएंगे, अपने आसपास लगाएंगे, उतना हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। तो पर्यावरण की रक्षा करना है, हमें उसकी संकल्प लेना है। आप खुद देखिए कि आज के समय में, इस कोरोना काल में भी आप देखिए कि मोदी जी ने इस समाज के लिए कितना अच्छा मैसेज दिया है, कितना अच्छा संदेश दिया है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, अपने घर को स्वच्छ रखना है, अपने घर के लोगों को स्वच्छ रखना है। घर में का बाहर से आना है तो कहीं से हाथ धोना है, कहीं बाहर जाना तो मास्क लगा के जाना है। मास्क का केवल कोरोना बीमारी ही नहीं, वह अनेक प्रकार से मास्क हमारी सहायता कर रहा है। अनेक प्रकार के जो वायु प्रदूषण हैं वो हमारे श्वास नली के माध्यम से अंदर नहीं जाएंगे, एक तो रक्षा ये हुआ। किसी प्रकार की कोई अगल बगल कुछ ऐसा है, उसकी एलर्जी जो होगी हमें नहीं होगी, क्योंकि हम उसके लिए सुरक्षा कवच लगाए हुए हैं। तो केवल कोरोना बस नहीं, अन्य चीज़ों से भी वह हमारी रक्षा करता है। हाथ धोना है, पहले भी लोग हाथ धोते थे, आज कम से कम उसके भय से लोग घर बाहर से आते हैं, सबसे पहले हैंड वॉश करो से हाथ धोते हैं, बहुत अच्छे से हाथ धोते हैं, जो उसका सिस्टम है, बड़ी उंगलियों से रगड़ रगड़ के बढ़िया हाथ धोते हैं, ठीक है। तो हाथ पैर धो के ही अंदर जाएं, पहले आज की ये प्रथा नहीं है, पहले के समय से ही ये चला आ रहा है कि कहीं से भी हम बाहर से आते हैं तो हमें बिना हाथ पैर धुले अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसकी बहुत सारे लॉजिक हैं, यदि हम उसमें जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा हट जाएंगे चैप्टर से, लेकिन आप सबको घर के बुजुर्ग घर के बड़े कहते हैं कि कहीं भी यदि हम बाहर से आएँ तो घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर को अच्छे से धो लेना चाहिए, ठीक है। और वो एक तो तरीका ये भी है, और दूसरा हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है। कहा जाता है कि यदि हम अपना हाथ पैर अच्छे से धो के आराम से बैठते हैं तो बहुत, मतलब आप ये मान के चलिए कि 50% जो थकान होती है, 50% जो शरीर का स्ट्रेस होता है वो दूर हो जाता है, ठीक है। एक उसके शरीर के लिए भी लाभदायक है। तो अनेक प्रकार से जो पर्यावरण है, अनेक प्रकार से जो स्वच्छता है, स्वच्छता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और किसी प्रकार की कोई बुरी बुराइयां शरीर में प्रवेश नहीं करेंगी, कोई बुरी प्रवृत्ति प्रवेश में नहीं कर शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। अनेक चीज़ों से हम स्वस्थ हैं, अच्छे अच्छे मन में विचार आएंगे, जब अच्छे विचार आएंगे तो कुछ अच्छे कृत्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, हमारे लिए क्या रहेगा, उपयोगी रहेगा, तभी तो हम पॉजिटिव सोच पाएंगे, कुछ अच्छे काम की भूमिका रूपरेखा बना पाएंगे। यदि हम दूसरे चीज़ों में फंस जाएंगे, दूसरी बीमारियों में उलझ जाएंगे, अस्वच्छता में उलझ जाएंगे या दूसरे वर्ग में उलझ जाएंगे तो हम कुछ अच्छा काम कैसे कर पाएंगे। तो एक अच्छा काम करने के लिए हमें फ्री माइंड भी चाहिए। इन सब चीज़ों से जब हम दूर रहेंगे तो निश्चित एक अच्छी सोच बनेगी, एक अच्छा काम करेंगे और वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ये जो पाठ है हमें बार बार प्रेरित करता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना है, वृक्षों को लगाना है, उसकी देखरेख करनी है और कहीं भी जो प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं हैं उनको अधिकतम मतलब आप ये मान के चले कि 100% माने कि हमें उसको अवॉइड करना है, हमें उसको छोड़ना है। पर्यावरण हर प्रकार से हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए भी है, हमारी मृदा के लिए भी, हमारी मिट्टी के लिए भी, हमारे जीव जंतुओं के लिए भी, हर प्रकार से कई लोगों के लिए, कई चीज़ों के हिसाब से वह हमारे लिए नुकसानदायक ही है। तो जब हर प्रकार से वह नुकसानदायक ही है तो हमें उसको छोड़ना है। और हमें जैसे पुरानी, आप पहले के समय में देखिए कि लोग लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, ठीक है, लकड़ी के बर्तन का प्रयोग करते थे, आज जैसे परिवर्तन हो गया है, आज कांच की चूड़ियाँ आ रही हैं, जो बाल में बक्कर लगाते हैं जिसको आप हेयर बैंड वगैरह बोलते हैं, रबड़ बोलते हैं, ये सब प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ये सब हमारे लिए नुकसानदायक। घड़ी में जो हम पट्टा पहनते हैं ना, वो भी प्लास्टिक का होता था, ये भी नुकसानदायक है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें इन सब चीज़ों का क्या करना है, प्लास्टिक की बनी चीज़ों का परित्याग करना है। और वास्तविक में जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे समाज के लिए उपयोगी है, ऐसी चीज़ों का हमें उपयोग करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ हमें जिस चीज़ की प्रेरणा देता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है,
हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, हमें प्लास्टिक की बनी चीज़ों का परित्याग करना है। सिंपल सी बात है, आप जिस कुरकुरे का प्रयोग करते हैं, जो कुरकुरे आप पॉलीथीन में खाते हैं, आप देखिए कि आप कुरकुरे निकाल के खा लिए, पॉलीथीन को फेंक दिए। खासतौर से बच्चों की बात बताता हूँ, वो आप देखिए जिस कुरकुरे को आप खा रहे हैं वो भी नुकसानदायक है, जिस पन्नी को आप प्लास्टिक की उस बैग को, प्लास्टिक की पॉलीथीन को नीचे फेंक रहे हैं, वो दूसरे के लिए भी नुकसानदायक। तो हमारे लिए उसमें हमने अच्छा किया क्या, वो क्या हमारे लिए अच्छा है? लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उन्हें वास्तविक में बाजार की ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, वो ऐसा खाएंगे ही खाएंगे। आप गुपचुप खाने जाते हैं, आप देखिए जिस प्लेट में आपको देता है, आप उस प्लेट में इससे पहले कितने लोग खा के जा चुके होंगे, ठीक है, कितनी सफाई वो रख रहा सामने वाला ये देखिए। उसी जब वो देता है गुपचुप को तो पूरा पानी में हाथ डालता है, आपके प्लेट में रखेगा, फिर पूरा डालेगा, फिर रखेगा। हम उसको बहुत चाव से खाते हैं लेकिन उसकी सफाई नहीं देख रहे हैं। आप उसको घर में बनवा सकते हैं, घर की बनी चीज़ खाइए, आप उसको 10 का 20 खा सकते हैं। यदि आप 10 पीस मार्केट में खाएंगे तो उसको 20 खा सकते हैं और अच्छा खा सकते हैं, पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ के खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो आनंद उसके हाथ का है, आपको देखिए कि वो पूरा इस तरह हाथ उसमें डालेगा, फिर निकाल के आपको देगा, फिर निकालेगा, फिर डालेगा, फिर तब तक दूसरा काम करेगा, फिर उसी से हाथ से छुएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑब्जर्व करने की चीज़ें। तो ये स्वच्छता का क्या पालन हुआ वहाँ, आपने क्या उस स्वच्छता का पालन किया? नहीं ना। तो सीधी सी बात है कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, यदि हम स्वच्छ ही नहीं रहेंगे तो स्वस्थ कहाँ से रहेंगे। जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो निश्चित अनेक प्रकार की जो बीमारियां हमारे अंदर ग्रसित हो जाएंगी। तो हम खुद एक बीमारी से ग्रसित हो गए तो हम पर्यावरण का ध्यान कहाँ से रखेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, स्वच्छता के साथ साथ प्लास्टिक की बनी चीज़ों का परित्याग करना है और संकल्प लेना है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। यदि पर्यावरण सलामत है, पर्यावरण कायम है तो हम कायम हैं, कायम मतलब सुरक्षित हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और उसका कर्तव्य है हमारी रक्षा करना। तो एक दूसरे के सहयोग से ये कार्य होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को अध्ययन करेंगे और इस पाठ के जो मूलभूत तत्व हैं उनका अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।